हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन क्या होता है। तो बीटी टॉक्सिन की अगर बात करें तो बीटी टॉक्सिन टॉक्सिन्स का एक ग्रुप होता है, जिसको कि एक बैक्टीरिया है जो कि अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थेरेंजियंसिस, और इसी बैक्टीरिया के नाम पर बैसिलस थेरेंजियंसिस, इसी के नाम पर इसको बीटी कहा जाता है। और चूंकि इसकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है टॉक्सिन, तो इसीलिए कहा जाता है बीटी टॉक्सिन। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन क्या होता है, तो बीटी टॉक्सिन को एक पेस्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है। जनरली पेस्टिसाइड ऐसे यूज किया जाता है कि जो क्रॉप होते हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड को स्प्रे कर दिया जाता है, उनके ऊपर छिड़क दिया जाता है, जिससे उनके ऊपर जो पेस्ट आते हैं, जो इंसेक्ट आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या उन पर जो इंसेक्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है उसी पेस्टिसाइड की वजह से। लेकिन बीटी टॉक्सिन के मामले में ऐसा किया जाता है कि बीटी टॉक्सिन जब पता किया गया कि एक बैक्टीरिया है जो कि बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो फिर पता किया गया कि उस बैक्टीरिया में वो कौन सा जीन है जो इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन कौन सा है, उस बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा जीन पाया जाता है जो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। तो उस जीन का जब पता किया गया तो उस जीन का नाम दिया गया क्राई। तो उस जीन को बैक्टीरिया से ले करके फिर अदर प्लांट्स में उसको क्या किया गया, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया, दूसरे प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो जब दूसरे प्लांट में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया, तो अब वो प्लांट भी बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगा। अब ये बीटी टॉक्सिन को जब वो प्रोड्यूस करने लगा, तो इसका मतलब ये है कि अब उस पर अलग से किसी तरह की पेस्टिसाइड को स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होने लगा कि कोई बीटी टॉक्सिन वाले क्रॉप के ऊपर कोई अगर इंसेक्ट आता और उस पर फीड करता, तो क्या होता है कि फिर वो जो बीटी टॉक्सिन है वो प्लांट के अंदर तो इनएक्टिव होता है, लेकिन वो जब इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर वो एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव हो जाता है तो उसके जो इंटेस्टाइन में है वो अनकंट्रोल्ड इंड ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है, जिससे उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। और फिर जब उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, तो फिर इस तरह से उस पर वो इंसेक्ट फीड नहीं कर पाता और वो क्रॉप जो है उस इंसेक्ट से बचा रहता है। तो ये बीटी टॉक्सिन कई तरह के होते हैं और अलग अलग इंसेक्ट पर ही अपना वर्क करते हैं। जैसे बीटी टॉक्सिन फर्स्ट ए बी, बीटी टॉक्सिन सेकेंड ए बी, बीटी टॉक्सिन फर्स्ट ए सी, ये बहुत तरह के बीटी टॉक्सिन होते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन, जिसको क्राई कहा जाता है, उसको ट्रांसप्लांट किया गया है, जिनमें पोटैटो की भी कुछ वेराइटीज हैं, कुछ कॉटन की वेराइटीज हैं। तो ये जो वैरायटीज हैं इन पर फिर पेस्ट का असर नहीं होता, और पेस्ट जब उन पर फीड करते हैं, इंसेक्ट जब उन पर फीड करते हैं, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं बीटी टॉक्सिन के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।